तो पिछले सत्र में हम श्रवण श्रवण किया भगवान के, भगवान का दिव्य प्राकट्य हो चुका है अयोध्या में। भगवान अयोध्या नगरी में आ चुके हैं और पिछले पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था कि भगवान प्रकट हुए हैं लेकिन सिर्फ कौशल्या को ही ये पता है, लेकिन तब तक भगवान का जन्म नहीं माना जाता। जब तक दशरथ जी को पता नहीं चले तब तक कौशल्या का जन्म माना नहीं जाता, राम का जन्म माना नहीं जाता। अतः लास्ट पिछले सत्र में दशरथ जी को पता चला, अतः अब वास्तविक जन्म हुआ भगवान का। क्योंकि तो पहले बोला जब तक दशरथ जी को पता ना चले तब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाता। राजा दशरथ परम प्रसन्न है और आज अयोध्या में इतना आनंद छा गया है कि सभी लोग आनंदित हैं। जितने भी अयोध्या के वासी हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने पेड़ हैं, जितने वृक्ष हैं, सब जीव भगवान के जन्म में खुश है। पता चला है भगवान का जन्म हुआ है, अतः सब लोग परम प्रसन्न है। और सूर्य देव को पता चला कि भगवान का जन्म आज मेरे कुल में हुआ है। भगवान ने जन्म अयोध्या में सूर्य वंश में लिया है। सूर्य देव को जैसे ही पता चला कि साक्षात भगवान सूर्य वंश में आ चुके हैं, तो सूर्य देव ने निर्णय ले लिया है कि आज मैं भी यहां से नहीं हिलूंगा। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास दे जात न जाना। 12 घंटे में जो सूर्य डूब जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, वह सूर्य आज एक महीने के लिए, लगातार एक महीने के लिए अयोध्या में रुक गया और किसी को पता नहीं चला कि आज का दिन 30 दिन का हो गया। भगवान के दर्शन के लिए सूर्य देव अयोध्या में रुक गए। मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं हिलूंगा भी नहीं, क्योंकि प्रभु का दर्शन करूंगा और भक्तों अयोध्या में रहने वाले समस्त लोग इतने सुख का स्वादन कर रहे हैं। 1 महीने कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला। परम सुख परम आनंद सब लोग प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। शिव जी पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्वती उस समय मैं भी वहां गया था और मैंने एक चोरी की थी। बोले स्वामी आपने चोरी की थी? बोले हाँ पार्वती मैंने एक चोरी की थी। बोले क्या चोरी की थी प्रभु? तो बोले और एक कहो निज चोरी सुनो अति दृढ़ मति तोरी काक भुसंगी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। हे देवी, हे पार्वती, हे सती, मैंने एक चोरी की है। देवी भगवान का जन्म हुआ और उस जन्म में मैंने एक चोरी की। देवी पार्वती पूछती है प्रभु आपने क्या चोरी किया? तब शिव जी बताते हुए कहते हैं कि देवी मैं कैलाश से और कागभूषण जी मानसरोवर से हम दोनों प्रभु का दर्शन करने गए और हमने चोरी से मनुष्य का रूप धारण कर लिया और किसी को पता नहीं चला कि हम शिव हैं और हमारे साथ जो है वो कागभूषण जी हैं। मनुष्य बनकर जब हम दशरथ के घर पर गए, कौशल्या को कहा कि हमें आपके लाला का दर्शन करा। बोले मैं दर्शन करने नहीं दूंगी, आपकी नजर लग जाएगी मेरे लाला को। हमने बहुत निवेदन किया लेकिन फिर भी दर्शन नहीं मिला। तब मैं और तब कागभूषण जी सरयू नदी के किनारे आकर बैठ गए और युक्ति सोचने लगे कि क्या उपाय करें कि भगवान का दर्शन हो जाए।
तब देवी हम दोनों ने निर्णय किया और मैं बना गुरु और वो बने चेला। हम दोनों गुरु चेला बन गए और प्रभु के दुख में तो हम पहले से दुखी थे, अतः हम शरीर के किनारे बैठकर प्रभु के विरह में प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे। लेकिन भक्तों, ये शास्त्र का सिद्धांत है, भगवान का वचन है। भगवान भक्तों, भक्त को भगवान की दर्शन की इतनी लालसा होती है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा लालसा भगवान को अपने भक्त की दर्शन की होती है। भक्त का दर्शन नहीं हुआ, शिव जी और नागभूषण जी चले गए, ये देखकर प्रभु रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे। अनेक खिलौने दिए गए, दूध पिलाया गया, परंतु प्रभु का रोना बंद नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, रानी जू, आपके लाला को किसी की नजर लग गई है। बोले तो कोई नजर उतारने वाले को बुला कर लाओ। नजर उतारने वाले का खोज प्रारंभ हुआ। खोजते खोजते सरयू नदी के तट पर गए, वहां पर ये दोनों गुरु चेला बैठे थे। बोले, अरे आप लोग तो नजर उतारने जानते हो। बोले, हाँ हम तो नजर उतारने जानते हैं। बोले, तब तो चलो हमारे साथ, कौशल्या के लाला को नजर लग गई है और उनकी नजर उतारनी है। बोले, अच्छा ऐसी बात है। ये सुनकर तो काकभूषण जी शिव जी का प्रचार करने लगे। अरे हमारे गुरु जिसका एक बार नजर उतार देते हैं फिर उसका कभी नहीं लगता जीवन भर में। अरे हमने कितनों का नजर उतारा है। द्वापर युग में गए थे, वहां पे यशोदा के लाला को नजर लगा था, उसके भी नजर को हमने नहीं उतारा और फिर कभी नहीं लगा। ऐसे अनेक लोगों का हम लोगों ने नजर उतारा है, जिसका नजर हमारे गुरुदेव एक बार उतार दे फिर लगेगा। बोले, अच्छा ऐसी बात है, तब तो जल्दी जल्दी चलो, हमारे घर पर कौशल्या के लाला को नजर लगे। आए बोले, नजर उतारने के लिए लाला को, बालक को हमारे हाथ में देना होगा। बालक को हाथ में दिया गया। शिव जी ने उस बालक को अपने हाथ में दिया। काकभूषण जी को इशारा किया, महाराज इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, अपने अपना सर भगवान के चरणों पर टिका दो। काकभूषण जी ने अपना मस्तक भगवान के चरणों पर टिका दिया। कौशल्या जी पूछे, अरे ये क्या कर रहे हो। नजर उतार रहे हैं, प्रभु जी का, भगवान का, महाराज का ध्यान भंग हो जाएगा, आवाज नहीं करो। बोले, इनके जटाओं में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, इसलिए तुम लोग सब हट जाओ, बाजू में हटो, इन्हें नजर उतारने दो। बिल्कुल मसल मसल कर भगवान के चरण कमलों को अपने मस्तक पर रखा और शिव जी ने अपनी जटा में भगवान के चरण को स्पर्श कराया। आज प्रभु के चरण अपने मस्तक में स्पर्श करा के शिव जी और मन में यही भाव आया कि जिस भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा मेरी जटाओं को स्पर्श करती है, उस स्पर्श करने के मात्र से मैं इतना विख्यात हो गया, आज साक्षात भगवान का पैर, भगवान का चरण मेरी जटा को स्पर्श कर रहा है, मैं कितना विख्यात होऊंगा। अतः शिव जी आज धन्य। इस प्रकार देवी दर्शन करके हम वापस आ गए। लेकिन मैं तो वापस आ गया, लेकिन काकभूषण जी नहीं आए। अरे वो तो वहीं पर रुक गए और एक साल के लिए नहीं, दो साल के लिए नहीं, पूरे के पूरे 5 साल के लिए काकभूषण जी मानसरोवर को छोड़कर अयोध्या में बस गए। तो इस प्रकार भगवान का दिव्य दर्शन शिव जी ने किया और आगे चल के कुछ दिन बीते, भगवान थोड़े से बड़े हो गए और अब नामकरण संस्कार का दिन करीब आया। राजा दशरथ जी के मन में इच्छा हुई, कब तक अपने लाला को बेटा, लल्ला, पुत्र करके पुकारूं, अब कुछ नाम होना चाहिए। और वैसे भी माता पिता के मन में बहुत इच्छा होती है कि हमारे पुत्र का कोई नाम हो। राजा दशरथ जी ने एक दिन वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी का स्वागत किया और कहा, महाराज आप हमारे पुत्र का नामकरण कीजिए।
वैसे देखा जाए भक्तों तो भगवान का नामकरण संस्कार की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे भगवान के नाम का अवतार होता है। ऐसा नहीं है भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने रखा तब तो ये राम नाम आया, इससे पहले राम थे, राम है राम रहेंगे। जैसे भगवान अवतार लेते हैं वैसे नाम का अवतार होता है, जैसे भगवान सनातन है वैसे भगवान के नाम भी सनातन है, जैसे भगवान परम कृपालु है वैसे नाम भी परम कृपालु है। और सच कहूं भक्तों तो भगवान का नाम भगवान से ज्यादा कृपामय है, ज्यादा दयालु है। बोले कैसे? बोले अच्छा राम जी आए कृष्ण जी आए तो कितनों का उद्धार किया, जिन्होंने उनका दर्शन किया मात्र उन्हीं लोगों का उद्धार हुआ ना, परंतु धन्य है भगवान का नाम जिसे जप करके हरेक युग में कोई भी युग में हरेक लोग प्रत्येक लोग जितने भी लोगों ने भगवान के नाम का जाप किया भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बस लीला के अनुसार से वे नाम प्रकट होते हैं। अब प्रकट होते हैं तो राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि महाराज हमारे पुत्र का नामकरण कीजिए। कहा प्रभु सबसे पहले बड़े पुत्र का नामकरण कीजिए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी के हाथ में भगवान श्री राम को दिया गया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, ये बालक समस्त आनंद का निधान है, आपका बालक समस्त आनंद का सागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी, तीनों लोक में रहने वाले समस्त जीवों को आपका ये बालक आनंद प्रदान करेगा, इसलिए आज से आपके इस बालक का नाम मैं नाम राम रखता हूं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम का अर्थ होता है भक्तों रमे इति राम, जो सुख के सागर है, जो अपने लीला से अपने कृत्य से समस्त लोगों को आनंद प्रदान करे उसे राम कहते हैं। तो उस प्रकार से भगवान राम का नाम रखा गया। तत्पश्चात दूसरे बालक को रखा गया, हाथ में कहा ये आपका बालक विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, आपका ये बालक पूरे विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ होगा, अतः मैं आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत रखता हूं। बोलिए भरत महाराज की। तीसरे पुत्र का नाम रखते हुए कहते हैं, चौथे पुत्र का नाम रखते हुए कहते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके इस चौथे पुत्र का स्मरण मात्र करने से समस्त शत्रु का विनाश हो जाएगा। आपका ये पुत्र चौथा पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा, इसीलिए चौथे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। बोले श्री शत्रुघ्न महाराज की जय। और फिर तीसरे पुत्र को वशिष्ठ के हाथ लक्ष्मण धाम राम प्रिय शकल जगत आधार। वशिष्ठ जी कहते हैं आपका ये तीसरा पुत्र पूरे ब्रह्मांड का आधार है, पूरे ब्रह्मांड का आधार है, मतलब कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर लेकर रखा है आपके इस तीसरे पुत्र से। ये अनेकों लक्षणों से युक्त हैं, समस्त भक्ति के लक्षण होंगे इसमें, इसीलिए आपके तीसरे पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण जी की। इसीलिए भक्तों जब जब रामलीला में लक्ष्मण जी को क्रोध आया तब तब ये पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि समस्त जगत के आधार हैं
आज मजबूर समस्त जगत को अपने सर पर लेकर रखे। इस प्रकार चारों पुत्र का नामकरण किया गया। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक दिन परम व्यापक परम ब्रह्म निरंजन माया से मुक्त निर्गुण जो समस्त गुणों से परे ऐसे भगवान को कौशल्या जी ने एक बार अपने हृदय का स्तनपान कराया। क्या भाग्य होगा उस माता का जिसने साक्षात परम ब्रह्म को अपने स्तन का पान कराया। क्या भाग्य होगा उस माता का, एक कमरे में दूध पान कराया और एक कमरे में पालने में सुलाकर आराम को सुला दिया और बहुत सुंदर भगवान के लिए जो भगवान का विग्रह था उनके घर पर उनके लिए रसोई में जाकर भोजन बनाने लगे। भगवान बने वहां पर जो विग्रह था उनके घर पर उनके लिए व्यंजन बनाने लगे। भगवान व्यंजन बना के भगवान के मंदिर के सामने भगवान के विग्रह के सामने उस व्यंजन को अर्पित किए और भगवान के मंदिर व्यंजन को अर्पित करके भगवान के द्वार के पट को बंद कर दिए और फिर से कौशल्या रसोई घर में चले गए। एक कमरे में उनका पुत्र सोया हुआ है, एक कमरे में भगवान को भोग लगा है और कुछ देर बाद जब भोग लेने गई तो कौशल्या देखती है एक अद्भुत दृश्य। क्या अद्भुत दृश्य, जो भोग कौशल्या जी ने विग्रह के लिए बनाया था और जो भोग भगवान के लिए रखा था वो भोग को उसी थाली में रामचंद्र अपने मुख में ग्रहण कर रहे थे। कौशल्या जी तो चकित होकर बोले, राम को तो मैं वहां सुला कर आई हूं, यहां कैसे आ गया, मैं तो राम को पालने पर सुला कर आई हूं। कौशल्या तुरंत उस कक्ष में पालने में जाकर देखे तो यहां पर भगवान सो रहे हैं, ये कैसे, वहां भी भगवान खा रहे हैं यहां भगवान सो रहे हैं, ये कैसे हो गया। फिर वहां जाकर वापिस देखे तो भगवान खा रहे यहां देखे तो सो रहे, वहां जाके देखे खा रहे यहां देखे सो रहे। कौशल्या मूर्छित हो गई, कौशल्या को चक्कर आने लगे, बोले ये क्या हो रहा है। और उस समय गोस्वामी जी कहते हैं उस समय कौशल्या को भगवान ने विश्व रूप पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर ऐश्वर्य रूप प्रदर्शित किया परंतु वात्सल्य भाव में इतना ताकत थी कौशल्या, वात्सल्य भाव के कारण कौशल्या भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाती थी और रोज घर पर जब राम का जन्म हुआ राम का प्राकट्य हुआ तो रोज घर पर अनेक साधु संत आने लगे, अनेक महात्मा आने लगे। तब कौशल्या जी कहती है, अरे जब हमारे घर पर संतान नहीं था तब आपको ढूंढना पड़ता था, कोई यज्ञ पूजा वगैरह कराना रहता था तो आपको जा जाकर ढूंढना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से आप आते थे और आज ऐसा क्या हो गया कि बिना बुलाए आप सब लोग जमात के टोली चले आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, मेरे घर पे ऐसे क्यों आ रहे हो। तब उन संतों ने कहा, देवी हम क्या बताएं, हमारा जीवन चला गया अलख निरंजन करते हुए, हमारा जीवन चला गया निराकार ब्रह्म ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हुए, परंतु हम लोगों को आज तक सुख नहीं मिला और आज जब हमने आपके लाला का दर्शन किया हमको जगत का सारा सुख मिल गया। अतः देवी आज तो हमारी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम कोई एक छोटा सा पत्थर बन जाए और आपके महल में कहीं जड़ जाए और निरंतर जो कि सोहनता आपके लाला दर्शन। क्या भाव है, आपके घर को आपके घर को छोड़ने का मन नहीं हो रहा। इस प्रकार गोस्वामी जी अनेकों लीलाओं का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर लीला के तत्वों का निरूपण करते हुए कहते हैं, एक समय की बात राजा दशरथ कौशल्या जी के पास गए, एक बाल लीला का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार राजा दशरथ कौशल्या जी के पास गए, बड़ी बड़ी जोर से भूख लगी। तब कौशल्या जी ने कहा, ऐसे भोजन नहीं मिलेगी, जाओ राम खेल में राम को बुला करके लाओ और फिर दोनों मिलकर भोजन खाओ, तब तक मैं भोजन भी बना लेती हूँ। पत्नी के कहने पर राजा दशरथ भगवान को बुलाने के लिए गए। भगवान राम अनेकों बच्चों के साथ बाल्य रूप में खेल रहे थे और दशरथ जी गए राम चलो भोजन करने के लिए। भोजन करते
गुरु जी निकालो 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 निकालो। गुरु जी ने जब अंतिम सांस बचा तब निकाल दिया। गुरु जी ने कहा जब मैंने तुम्हें नदी में डुबाया तब बाहर आने कितनी उत्कंठा थी, कितनी लोलुपता थी। बोले गुरु जी बहुत, यदि और थोड़ा देर नहीं निकालते तो मैं तो मर ही गया। बोले बस यही उत्कंठा भगवान की प्राप्ति में होनी चाहिए कि आज यदि भगवान का दर्शन नहीं होगा तो ये शरीर में मेरा प्राण रहेगा। जिस दिन ये भाव हमारे अंदर आ गया भगवान का दर्शन हो जाएगा। राजा दशरथ भक्ति से नहीं बुला रहे थे। तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं राजा दशरथ भक्ति से नहीं बुला रहे थे अतः भगवान नहीं आए। और चौथा कारण बोलते हैं भगवान दशरथ जी के बुलाने पर भगवान क्यों नहीं आए, क्योंकि दशरथ जी को खुद भूख लगी थी इसीलिए राम को बुला रहे थे। राम को खिलाने के लिए भगवान को नहीं बुला रहे थे, खुद की इंद्रिय तृप्ति करनी थी इसीलिए भगवान को बुला रहे थे। तो इस प्रकार राजा दशरथ ने बुलाया भगवान नहीं आए। कौशल्या के पास गए बोले प्रिय मैं बार बार बुला रहा हूँ लेकिन नारा आ नहीं रहा है, तुम मुझे भोजन दे दो। कौशल्या जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं आएगा। तब कौशल्या जब बोलने जाई ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। कौशल्या जी जब भगवान को बुलाने गई तो तुरंत भगवान ठुमक 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 करते हुए कौशल्या जी के पास आ गए। कारण कौशल्या जी भक्ति से भाव से भगवान। तो इस प्रकार कौशल्या जी ने भगवान को बुलाया, भोजन कराया और अब आगे भगवान का थोड़ा संस्कार हुआ। तत्पश्चात अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। भये कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु प्रतीत माता। जब भगवान थोड़े बड़े हो गए तब चारों भाइयों कुमार अवस्था को जब प्राप्त हो गए तो जनेऊ प्रदान की गई, यज्ञोपवीत की गई। तो इस संसार में जब लोग जन्म जब लोगों का जन्म होता है तो शास्त्रों के अनुसार से उन्हें शूद्र माना जाता है। जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवति द्विज वेद पाठात भवति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म जायते शूद्र से जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं। संस्कार भवते द्विज परंतु जब उनके गले में जनेऊ आती है तब उसे द्विज कहते हैं। और वैसे द्विज को धारण करके जब वे वेद से शास्त्र को पढ़ने लगता है वेद पठात भवते विप्र जब वेद शास्त्र का पठन प्रारंभ कर देता है तब उसे विप्र कहा जाता है। और जब इन वेद और शास्त्रों के माध्यम से उनके हृदय में भक्ति आ जाती है भगवान को जानने लगते हैं ब्रह्म को जानने लगते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस प्रकार आज भगवान गुरु के घर पर जा रहे हैं दीक्षा पढ़ाई करने के लिए अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई अल्प काल पीत्याशलाई। अद्यपि राजा के घर जन्म हुआ है तो फिर भी विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु जी के घर पर गुरुकुल जा रहे हैं। वे चाहते तो अनेकों गुरु जी को बुलाकर घर पर ही दीक्षा दिला सकते थे परंतु भक्तों भगवान अपनी लीला से दिखा रहे हैं कि यदि विद्या को प्राप्त करना है तो गुरु के घर पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर घर पर बैठे बैठे विद्या अतः भगवान गुरु के घर पर गए। श्री रामचंद्र गुरु के घर पर जा रहे हैं। वेद जिसे नेति नेति करके बुलाते हैं जिनसे चारों वेद समस्त विज्ञान समस्त ज्ञान प्रकट होता है ऐसे भगवान गुरुकुल को जा रहे हैं। परंतु ये तुलसीदास जी से ये देखा नहीं गया और उनसे रहा नहीं गया और तुलसीदास जी ने लिख दिया। बोले भगवान श्री रामचंद्र जो भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में ऐलान करते हुए कहते हैं अर्जुन इस जगत में रहने वाले समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जानता हूँ। वेदाम शक्ति कानी वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदम पश्यन्। हे अर्जुन एक नहीं संसार में जितने भी जीव हैं सबके विषय में सब कुछ जानता हूँ। परंतु अर्जुन
दुर्भाग्य की बात यह है, मैं अकेला होकर भी समस्त जीवों के विषय में जानता हूं, परंतु अर्जुन दुर्भाग्य की बात है इस संसार के समस्त जीव समस्त प्राणी मिलकर भी मुझे एक कृष्ण के बारे में जान पाते। गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अरे जिस भगवान के श्वास से वेद प्रकट होते हैं, वे भगवान आज गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कौतुक है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक। ऐसे भगवान गुरुकुल पढ़ने जाए ये बहुत बड़ा कौतुक है, क्योंकि ये समस्त वेद भगवान के सांस से ही प्रकट हुए भक्तों, और ये बात तो बहुत दूर की बात है। भगवान जिस गरुड़ पर सवार होते हैं, भगवान का वाहन है वो गरुड़, और वो गरुड़ जी जब अपना पंख हिलाते हैं ना, तो उनके पंख हिलने से साम वेद की ध्वनि निकलती है। तो सोचिए वो भगवान जिस भगवान के वाहन से सामवेद की ध्वनि निकले, वो भगवान किसी गुरु के यहाँ शिक्षा ले ग्रहण करने के लिए जाए, ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, ये कितना बड़ा कौतुक की बात है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भक्तों। भगवान मानुष लीला कर रहे हैं, मानुष लीला कर रहे हैं, और वे बताना चाहते हैं कि अभी संसार में किसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, या भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसे गुरु के पास जाना होगा। भगवान उसने सिद्धांत बता दिया कि गुरु के ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के बिना भगवान संभव नहीं। तो भगवान गुरु गृह गए, और बहुत कम समय में भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और विद्या प्राप्त करके वापस अयोध्या लौट गए। बहुत सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं, और गोस्वामी जी की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नवावर चरणों में माता माथा को नवाते हैं, दंडवत करते हैं, ये त्रेतायु की बातें हैं। और आज क्या है, देखिए आदि आज कहा जाए तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा बोले माता चाहे दे मुझे माता, माता सवेरा हो गया है मुझे चाय दे। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा भक्तों, और ये चाय हमारे इंडिया का भी नहीं है, हमारे भारतवर्ष का भी नहीं है। वो अंग्रेज आए भारत में बो दिए, और उनकी दो चीज को अभी भी हम धो रहे हैं, एक है चाय जिसके बिना हम भारतीय लोग अब जी नहीं सकते, 80% जो अपंगता आ रही है आज हमारे देश में, उसकी सर्वे से पता चला है कि उसका कारण है चाय और कॉफी। आज अनेक साधु संतों को मैं देखता हूं कि मन में बहुत वैराग्य है, पति पत्नी को छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, संसार समाज को छोड़ दिया, परंतु चाय नहीं छोड़ पाते। और आप हमारे इस्कॉन में चले जाइए, किसी एक 5 वर्ष के बच्चे से पूछिए चाय पियोगे, तो चाय नहीं पीनी चाहिए, हमारे भारत वर्ष का नहीं है, और इसमें कैफीन होता है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक। मैंने कभी पूरे शास्त्र में आज तक इतना शास्त्र वेद पुराण पढ़ा, कहीं पर भी चाय कॉफी का वर्णन नहीं हुआ। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नवाहि माता, भगवान प्रातः काल उठे, अपने सर को अपने पिता के अपने गुरु के अपने माता के चरणों में रख दिए। और एक दिन की घटना का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र नाम के ऋषि मुनि अनेक ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे, और उस समय यज्ञ में अनेक असुरगण ताड़ का सुबाहु आदि बाधा दे रहे थे, अनेकों बार प्रयास करने पर भी वे यज्ञ को सफल नहीं कर पा रहे थे। पर तो ये विश्वामित्र जी भगवान का
परम भक्त हैं और इनका जन्म भी अद्भुत है। मैं इनके जन्म के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको। इनका जन्म ब्रह्मा जी के कुल में हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, कुश के कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र हुए गादी। गादी राजा के एक कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती और उस सत्यवती का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। रुचि नाम के प्रजापति थे, एक ऋषि मुनि थे, उनके साथ विवाह हुआ। तो एक दिन इन दोनों की जीवनी बड़ी अच्छी चल रही थी। एक दिन सत्यवती ने कहा कि प्रभु स्वामी मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है, अतः आप यज्ञ करो। रुचि ऋषि यज्ञ करना प्रारंभ किया और उसी समय उनकी माता वहां आई, बोले बेटी मुझे भी पुत्र की प्राप्ति करनी है, अतः आप इनसे बोलो कि दोनों के लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ किए। रुचि ऋषि ने दोनों के लिए यज्ञ किया, दो चरु उत्पन्न किए, एक चरु अपने पत्नी को दिए, एक चरु अपने सास को दिए। बोले तुम इसको खा लेना, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। वो नदी में स्नान करने के लिए गए और यहाँ पर माता और पुत्री में शुरू हो गए। बेटी आजकल तो सब लोग स्वार्थी हैं, कौन सोचता है दूसरे के बारे में, तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे लिए चरु बनाया होगा वो बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए जो बनाया होगा कोई रिजेक्शन चरु होगा। अतः एक काम करो पुत्री, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे तो कोई भी पुत्र होगा चल जाएगा, परंतु हम तो क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों को पूरी दुनिया पर राज करना होता है, अतः तुम अपना चरु मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। बेटी थी, बात मान गई। रुचि ऋषि स्नान करके आए, ये न्यूज रुचि ऋषि को उनकी पत्नी ने सुना है। रुचि ऋषि सर पर हाथ लेके बैठ गए, बोले तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, अरे कम से कम बुद्धि नहीं तो मेरी बात तो सुनो। अब बोले स्वामी कोई गलती हो गई, बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो तुम्हारे लिए चरु बनाया था उस चरु में मैंने ब्राह्मण के गुण निहित किए थे और तुम्हारे माता के लिए जो चरु बनाया था उसमें क्षत्रिय गुण निहित किया था, अतः अब तुमने अपनी माता का चरु ग्रहण कर लिया है, अतः तुम्हारा जो पुत्र होगा वह घोर स्वभाव का क्षत्रिय स्वभाव का पुत्र होगा और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण स्वभाव का पुत्र होगा। सत्यवती ये सुनकर कांप गई, रुचि ऋषि से बहुत निवेदन किया, प्रार्थना की। तब रुचि ऋषि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, चरु तो नहीं कर सकता परंतु तुम्हारा पुत्र घोर स्वभाव का नहीं, तुम्हारे पुत्र के पुत्र का पुत्र होगा घोर स्वभाव का। अतः सत्यवती का पुत्र हुआ हुए जमदग्नि ऋषि और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए परशुराम ऋषि, परशुराम। और इधर गादी का पुत्र हुआ विश्वामित्र, क्षत्रिकुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण स्वभाव के पुत्र पैदा हुए। जन्म से ही वन में चले गए, तत्व ध्यान यज्ञ करने लगे और विश्वामित्र जी बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे, परंतु मारीच सुबाहु तारका आदि राक्षस बड़े भगवान को यज्ञ में कष्ट दे रहे थे। इसे ही असुर कहता है, कहते हैं जो यज्ञ में तकलीफ दे, जो भक्तों को तकलीफ दे। पुराणों में प्रश्न उठाया गया असुर किसे कहते हैं, बोले इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। बोले कौन, बोले विष्णु भक्त सुरप्त होता, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वे लोग सुर देवता है, और आसुर ये तो विप्रिय, और भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की भक्ति से जो विपरीत कार्य करे उसे असुर कहते हैं। अतः ये लोग यज्ञ में बाधा डाल रहे थे, इन असुर का कार्य का संबोधन किया गया। और तब विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये यज्ञ बिना भगवान के संभव नहीं है, और उन्होंने ध्यान किया तो पता चला भगवान ने अयोध्या में अवतार ले लिया है, भगवान का अयोध्या में अवतार हो चुका है, दशरथ का पुत्र बनकर साक्षात भगवान प्रकट हो चुके हैं। अतः तुरंत विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, राजा दशरथ सुने और विश्वामित्र जी का बड़ा सुंदर परम प्रसन्न होकर स्वागत किया, बड़े सुंदर आसन दिए राजा दशरथ को, विश्वामित्र जी का स्वागत करने दीजिए, उनकी स्तुति करने दीजिए, आइए हम भी कुछ देर भगवान की स्तुति करें। और आने वाले दिन में नेक्स्ट अगले सत्र में हम कौशल्या उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात भगवान का दिव्य विवाह होगा। आइए तब तक के लिए कुछ क्षण के लिए हम भगवान का दिव्य नाम से
उनका कीर्तन करें, समय भी हो चुका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे प्रभु। Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
सत्र में आइए, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को